सदगुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, एक बार ब्यास में हुए सत्संग प्रोग्राम के बाद कुशीनाथ से प्रोग्राम में बाबा जी से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया। एक भाई ने पूछा कि अगर सत्संगी अपने संत गुरु से विमुख हो जाए तो क्या सदगुरु उसे सजा देंगे। सत्संग जी, उस पर प्यारे बाबा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जरूर सुनिएगा। सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं कि यदि कोई सदगुरु से विमुख हो जाता है तो सदगुरु कभी भी हमारी ओर से मुंह नहीं मोड़ते। हमें सजा तब मिलती है जब गुरु हमारी तरफ से मुंह मोड़ ले। जब सदगुरु हमारी तरफ से मुंह नहीं मोड़ेंगे तो हमें सजा भी नहीं मिलेगी। सत्संग जी, आगे बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, देखिए, जब एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि मैं आपका कहना नहीं मानता, तो क्या पिता क्रोध में आकर उसे कोई कष्ट देगा या उसे कुछ दंड देगा? तो आप कहेंगे नहीं, वहाँ आराम से और बड़े ही प्रेम से उसे समझाएगा ताकि वहाँ बड़े ही अच्छी तरीके से समझ सके और आगे चलकर एक अच्छा व्यक्ति बन सके, ना कि वहाँ उसे पुलिस के हवाले करेगा, क्योंकि वहाँ उस बच्चे से प्रेम करता है। सत्संग जी, ठीक इसी प्रकार से संत सदगुरु प्यारे बाबा जी हमें हमेशा हमारी उन कमजोरियों को उजागर करते हैं जो हम में कमी है। सत्संग जी, जो हमें संसार में दुखी कर रही है वही संत सदगुरु कहते हैं कि हमें सजा देती है, यानी कि हमें दुख देती है। सही मायने में अगर देखें तो हमारे अपने कर्म ही हमें दुख या सजा देते हैं, क्योंकि संत सदगुरु हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता क्योंकि तुम तो पहले से ही सजा भोग रहे हो। अब हम सोचेंगे कि हम क्या सजा भोग रहे हैं, तो कुल मालिक कहते हैं कि जब से हम संसार की रचना रची हुई है तभी से हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और इस रचना के जन्म मरण के दुख को भोग रहे हैं। यही सबसे बड़ी हमारी सजा है। देखिए, संत हमें सजा देने के लिए नहीं आते बल्कि इस चौरासी से निकालने के लिए आते हैं। अगर संत सदगुरु जी हमें सजा देना शुरू कर देंगे तो फिर इस दुनिया में हमें बचाने का कौन आएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं कि हम इस दुनिया के चौरासी से बच सके। सत्संग जी, देखिए, हमें भजन सिमरन उस परमात्मा के डर से नहीं बल्कि उसके प्रेम और प्यार के साथ करना है जी। यदि हमारे भजन का, हमारी भक्ति का आधार प्रेम होगा, डर नहीं, तो हम बड़े ही ऊंचे दर्जे के वहाँ सेवक बन जाएंगे जिसमें कुल मालिक के चिंतन के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। यदि हम उस कुल मालिक का हमेशा स्मरण करते रहेंगे, उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे, तो हम इस दुनिया में कोई भी पीड़ा या सजा दे नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि हमें हमेशा प्रेम व प्यार व श्रद्धा विश्वास के साथ भजन सुमरन करना है जी, ताकि हम इस आवागमन से मुक्त हो सके और हमेशा हमेशा के लिए अपने कुल मालिक के साथ निज वतन जा सके जी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संत सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।